अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं लाया हूं आज आपके लिए नेब अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने, जब मैंने नेब ऑर्डिनेंस 1999 को बनाया तो दोस्त कह रहे थे कि आप इस पे भी जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2019 में, तो इस पे भी आप कोई वीडियो बनाएं। फिर मैंने जब YouTube पे इसको सर्च किया तो वहाँ पे कोई भी मुझे ऐसी वीडियो नहीं मिली जो कि MCQs पे जो है मुश्तमिल हो। तो एक्चुअली ये जो है एक अमेंडमेंट थी जो पहले से हमारा नेब का जो ऑर्डिनेंस था उसमें उन्होंने कुछ जो एक दो थी पॉइंट्स उसमें अमेंडमेंट की थी। तो वो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 के नाम से। तो उसमें से कुछ जो चंद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं MCQs जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपके लिए इंतहाई मुफीद होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द नेब अमेंडमेंट एक्ट 2019, नेब कुड नॉट सीज प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विदाउट ऑर्डर्स ऑफ ऑप्शन ए कोर्ट, बी प्रेसिडेंट, सी चेयरमैन नेब, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए कोर्ट। तो कोर्ट्स के ऑर्डर्स के बगैर जो है अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट नेब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द नेब अमेंडमेंट एक्ट 2019, नेब कुड नॉट सीज प्रॉपर्टी ऑफ हुम विदाउट ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन ए पॉलिटिशियंस, बी बिजनेसमैन, सी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्वेश्चन नंबर 3। इफ द अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग कैन नॉट कंप्लीट एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ सस्पेक्ट विद इन हाउ मेनी मंथ्स द अक्यूज्ड विल बी एंटाइटल्ड टू बेल। ऑप्शन ए 2 मंथ्स, बी 3 मंथ्स, सी 4 मंथ्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा बी 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 4। इफ हु कैन नॉट कंप्लीट एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ सस्पेक्ट विद इन 3 मंथ्स द अक्यूज्ड विल बी एंटाइटल्ड टू बेल। ऑप्शन ए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग। क्वेश्चन नंबर 5। इफ द अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग कैन नॉट कंप्लीट एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ सस्पेक्ट विद इन 3 मंथ्स द अक्यूज्ड विल बी एंटाइटल्ड टू व्हाट। ऑप्शन ए रिमांड, बी इम्प्यूनिटी, सी बेल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी बेल। क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू नेब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, नेब्स ज्यूरिसडिक्शन ओवर मैटर्स रिलेटिंग टू टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड IPOs हैज बीन डैश। ऑप्शन ए कर्टेल्ड, बी एनहांस्ड, सी वॉइड एंड नल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए कर्टेल्ड। क्वेश्चन नंबर 7।
The Federal Cabinet has approved NAB Ordinance 2019 on which day? Option A, Monday, B, Tuesday, C, Friday, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा C, Friday. Question number 8. After passing the NAB Amendment Ordinance 2019, NAB will no longer be allowed to take action against whom? Option A, real estate tycoon, B, political leaders, C, government employees, D, all of these. तो इसका सही जवाब होगा सी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. क्वेश्चन नंबर 9. नेब विल नॉट बी अलाउड टू टेक एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑर्डिनेंस. ऑप्शन ए नेब ऑर्डिनेंस 2019, बी Business Rules 1973, C, NAB Ordinance 1999, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा A, NAB Ordinance 2019. Question number 10. NAB will not be able to proceed in corruption cases of how much amount? Option A, rupees 500 million and more. B, less than rupees 500 million. C, both A and B. D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा A. Rupees 500 million and more. Question number 11. According to NAB Amendment Ordinance 2019, FIA, Securities and Exchange Commission of Pakistan, and Building Control Authorities will be the sole authorities tasked to deal which matters? Option A, matters relating to stock exchange. B, matters relating to tax. C, matters relating to IPOs. D, all of these. तो इसका सही जवाब होगा D, all of these. Question number 12. According to NAB Amendment Ordinance 2019, for land evaluation purposes, NAB will seek guidance from which departments? Option A, Federal Board of Revenue, B, District Collector, C, both A and B, D, any of them. तो इसका सही जवाब होगा डी एनी ऑफ देम. तो या तो परमिशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से गाइडेंस ली जाएगी या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ली जाएगी फॉर लैंड एवैल्यूएशन पर्पस. क्वेश्चन नंबर 13. The Prime Minister's office sent a copy of NAB Amendment Ordinance 2019 to whom and sought their input in this regard? Option A, NAB Secretariat, B, Supreme Court of Pakistan, C, all the ministers, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा सी ऑल द मिनिस्टर्स. उन सबको एक कॉपी भेजी गई ताकि वो उस पर अपनी राय अपनी जो भी उनकी तजावीज़ हैं सजेशंस हैं तो वो दें. क्वेश्चन नंबर 14.
For what purpose Prime Minister sent a copy of Ordinance 2019 to the Federal Ministers? Kis purpose ke liye unko copy bheji gayi? Option A, for amendment in NAB Ordinance 1999. B, for cancellation of NAB Ordinance 1999. C, for introduction new ordinance. D, none of these. To iska sahi jawab hoga A, for amendment in NAB Ordinance 1999. Question number 15 and last. Who issued the final notification of NAB Accountability Amendment Act 2019? तो final जब ये सब कुछ process हो गया तो इसका final notification किसकी तरफ से जारी हुआ? Option A, Prime Minister's Secretariat. B, Cabinet Secretariat. C, Ministry of Law and Justice. D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा C, Ministry of Law and Justice. तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट जो मैंने वीडियो बनाई NAB Amendment Act 2019. तो इस पे जितने बनते थे वो मैंने बना दिए हैं. तो इसमें अगर कोई मज़ीद आप कोई चीज़ चाहते हैं या कोई इसमें होनी चाहिए तो आप अपनी सजेशंस दें, कमेंट्स करें ताकि हम इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर करें, या कोई आपको और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें ताकि वो मैं उस पर आपके लिए कोई वीडियो बनाऊँ स्पेशल. सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.